नमस्कार, मैं हूँ रीना और आप देख रहे हैं विंध्य भारत। विश्व जनसंख्या दिवस पर रीवा में मनाया गया जनसंख्या स्थिरता पखवाड़। चिकित्सकों ने किया जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, लोगों को जागरूक करने का किया निश्चय। जनसंख्या दिवस पर रीवा के जिला अस्पताल में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया, जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। बिछिया अस्पताल में चिकित्सकों द्वारा वार्ड में महिलाओं को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जागरूक करते हुए इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि छोटे परिवार में ही भलाई। जनसंख्या वृद्धि से विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं, जितना छोटा परिवार होगा उसने बेहतर तरीके से यापन हुई। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा कार्यक्रम के दौरान मौजूद डॉक्टरों ने बताया कि जनसंख्या ज्यादा होने से भुखमरी एवं बेरोजगारी जैसी समस्याएं निर्मित हुई, स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी इसका असर पड़ता है। इस दौरान उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई। अस्पताल के विभिन्न वार्डो में चिकित्सकों द्वारा इस तरह जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रेरित किया जा रहा। इस दौरान इस बात पर भी फोकस किया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को परिवार कल्याण कार्यक्रम से जोड़ा। रीवा के जिला अस्पताल में इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में CMHO, सिविल सर्जन सहित तमाम जिम्मेदार लोग मौजूद हैं। इस दौरान एक रैली का भी आयोजन किया गया, साथ ही आपसी विचार विमर्श के बाद यह तय किया गया कि इसको हम एक पखवाड़े के रूप में इस दिवस को मनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे, उनको बताएंगे छोटे परिवार के क्या फायदे हैं, बड़े परिवार के क्या नुकसान। हमारा काम हम करते हैं, लेकिन उसमें कितनी मुश्किलें हैं और उसके क्या रिजल्ट हैं, मुश्किलें तो चलो जाने दो। अभी भी हम उसी स्थिति में डावाडोल हैं, मतलब हम नहीं कह सकते कि हमने जो काम किया उसके रिजल्ट हमको संतोषजनक मिल रहे हैं। तो मेरा सुझाव कुछ थोड़ा सा हटके है, इसलिए हटके है कि देखिए हमने इतना काम किया, हम अभी तक हम लोग इस चीज़ से पीछे पड़े हुए हैं। हम लोग एक तो उसका जो दो तरह के होते हैं, टेम्परेरी मैथड्स होती हैं और परमानेंट मैथड्स होती हैं। तो अभी तक हम परमानेंट मैथड्स से पीछे भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? कोई सरकार नहीं चाहिए, तो सरकार चाहती है नौकरी करना तो सरकार की बात तो माननी है, लेकिन क्यों ना हम थोड़ा सा डेवलपिंग मेथड्स हैं ऊपर भी ध्यान दें। लेकिन अगर हम अपने गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट कर पाए कि हमने डेवलपिंग मेथड से ही आप हमारे को लक्ष्य जो ऑप्शन दिए हैं और हमें पूरे कर लिए हैं, तो मुझे लगता है कि रीवा जिला एक ऑर्डर जिला बन सकता है। तो हमारे यहाँ पे ये सुझाव है कि हम डेवलपिंग मेथड्स पे ही फोकस करें। देखिए ये सब हेल्थ वाले लोग बैठे हैं, मैं झूठी बोल रही, जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा यहाँ पर आयोजित किया गया है, क्या आज कार्यक्रम हुई? आज जिला अस्पताल बिछिया में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा के उपलक्ष्य में एक वर्कशॉप का आयोजन किया है, जिसमें हमारे जिला अस्पताल के सभी स्टाफ हमारी आशाएं उपस्थित रही हैं, जिसमें डॉक्टर शैलबाला श्रीवास्तव जो हमारी बहुत ही सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो भी उपस्थित थी, माननीय CMHO सर उपस्थित थे, हमारे DHO2 डॉक्टर प्रदीप शुक्ला सर, सिविल सर्जन सर, RMO सर, सभी लोग उपस्थित थे। आज का ये जो वर्कशॉप था इसका मुख्य उद्देश्य ये था अपने सारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको सेंसिटाइज करना कि जनसंख्या स्थिरता माह, जनसंख्या स्थिर करने के लिए जो हमारे परिवार कल्याण जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, किन साधनों पे फोकस किया जाए। जैसे अभी शैलवाला श्रीवास्तव मैम ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, उनका कहना था कि हम सिर्फ टेम्परेरी मेथड्स पे ही फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं कि LTD हो जाए, NSV हो जाए, जबकि जो अन्य साधन हैं परिवार नियोजन के, गोलियां हैं, अंतरा है, छाया है, इंजेक्टेबल है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और ये कहीं ना कहीं जनसंख्या को स्थिर करने के लिए अच्छे साधन हैं। अतः इनके लिए हमको अपने हेल्थ वर्कर को ज़्यादा फोकस करके एक एक्टिव मोड में काम करने की आवश्यकता है। सबसे बड़ा बोझ पड़ रहा है, स्वास्थ्य की सबसे बड़ी समस्या पैदा हो रही है, जो बचाना बचाई जा सकती है अगर हम इन साधनों का परिवार कल्याण के समस्त स्थायी और अस्थायी साधनों का उपयोग कर ले तो अपन लोग इस भारत की जनसंख्या को अन्य देशों की समान नियंत्रण में ला सकते हैं और स्थिरता बनी रहे, क्योंकि तो इससे आगे समाज में हर तरह की प्रॉब्लम हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं, पैसे की अपनी कमी के कारण उनका इलाज नहीं हो रहा है, बच्चे पे बच्चे हो रहे हैं लोगों के और बच्चे आगे जाके कमज़ोर हो रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन हो रहा है, कुपोषण हो रहा है, उसकी भी योजना चल रही है सरकार की, उन कुपोषित बच्चों का कितना बड़ा कि हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। तो अस्पताल में आए, रात में भर्ती हुए, इलाज मिल गया, चले गए, ठीक हो गया, लेकिन जो पीरियड में उसने दूसरे को भेज दिए हैं कमजोरी की अवस्था में जन्म लिया माँ के, उस बच्चे के ब्रेन में क्या डेवलपमेंट हुआ, एक एक घंटा बड़ा कीमती है उसका, कि बच्चों का ब्रेन अगर डेवलप शुरुआत से बिल्कुल जड़ से शुरू हो जाए तो बच्चे आगे जाके मजबूत बनेंगे। सब चीज़ें हैं सब समस्याओं में,
और इसके लिए अपन लोग का स्वास्थ्य विभाग इसमें बहुत बड़ा योगदान करता है कि हर अपने अपने क्षेत्रों में परिवार कल्याण। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा आज आयोजित किया गया है, कैसे जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकता है? आज हम लोग इस सभागार में सब इसी विषय में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए उपस्थित हुए हैं और इसमें हम लोगों ने सबसे अपने व्यक्तिगत विचार और सब लोगों ने अपने विचार एक दूसरे को ले को समझाए। इसमें हमारे CMHO सर थे, सिविल सर्जन सर थे और हमारे ऑब्स्टेट्रिक गायनी विभाग की सारी महिला चिकित्सक। तो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के कारण हमारे देश में और सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और इसको रोकना बहुत आवश्यक है। चिकित्सक होने के नाते हमारा इसमें जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज हम लोगों ने इसी तरह की स्ट्रैटेजी बनाई कि इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमने विभिन्न प्रकार के जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं या गर्भनिरोधक साधन हैं उनके विषय में चर्चा की। CMHO सर ने बताया कि किस तरह की सरकारी योजनाएँ चल रही हैं और उनको हम किस तरह से अच्छी तरह से क्रियान्वित कर सकते हैं। तो हम भविष्य में आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम से हमको बहुत लाभ मिलेगा और हम इसके विषय में ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। यही है, लेकिन ये सरकारी पॉलिसी है, इस विषय में एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। पर यह सुझाव अगर सरकार को प्रेषित किया जाए तो शायद जनता में इसके प्रति रुचि ज़्यादा जागेगी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शालवाना श्रीवास्तव। दूसरी बात है कि जब से ANC शुरू होती है, ANC में सबसे मस्त है, अगर ANC में काउंसलिंग अच्छी होगी इसकी फैमिली प्लानिंग की तो ये आगे तक मतलब काफ़ी उनको ब्रेन वॉश हो जाता है कि नहीं मुझे दो बच्चे हैं और किसी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना मिलता तो वो पहले ही बोल देते कि मुझे लगा दो पॉपर्टी, क्योंकि वो काउंसलिंग की होती है उसको ANC से। ANC की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। और फिर जो सिस्टर हैं शुरू जैसे आई है वैसे भी वो काउंसलिंग करती हैं। कोई कोई है तो प्रॉपर्टी नहीं लगवाना चाहता है, कोई इंजेक्शन, तो इंजेक्शन के बारे में यही बताना कि भाई आप कहीं भी जा रहे हो आपके घर वाले नहीं चाहते, वो बोल रहे हैं मुझे तीन लड़की होगी तो लड़का चाहिए ही चाहिए, तो इंजेक्शन का ज़्यादा जोर दें। वो तो कहीं भी जाएंगी, चाहे मायके जाए, चाहे कहीं भी जा रहे हैं, मार्केट गए, कहीं भी गए, आप इंजेक्शन लगा के चले जाएँ। तो दूसरी बात है रजिस्टर बनना चाहिए अपने ANC रजिस्टर। तो मेरा मानना ये है कि जैसे सर ने कहा कि शादी से पहले आशा को लगा दो, मैं ये कहना चाहूँगी शादी मतलब शादी के बाद लगा दो। तो मेरा कहना है कि शादी के पहले आशा को लगा दिया जाए सो दैट वो काउंसलिंग अच्छे से कर सके, कपल की काउंसलिंग। क्योंकि कई बार अच्छे अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर भी आते हैं जो इमीडिएटली आफ्टर मैरिज अबॉर्शन के लिए हम सभी के पास आते हैं। तो बेसिकली जो गर्भनिरोधक तरीके हैं जो उपलब्ध हैं उसमें उसकी जानकारी बहुत कम है, या तो जानकारी है भी तो उनको सिर्फ एक व्यवहारिक जानकारी नहीं है। वो जानकारी होना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है अगर हम पॉपुलेशन नियंत्रित करना चाहते हैं। और अगर पहले से ही उनको जैसे या तो हम एडोलोसेंट में वो करें कि जब किशोरावस्था से ही उनको नॉलेज दें, तो भी इससे क्या होगा कि जब जैसे सर ने कहा कि आशाएं जब जाती हैं नजरबंदी के लिए तो वो गाली देना शुरू कर देते हैं, तो अगर उनको पहले से तरीके पता होंगे तो या तो वो दूसरे तरीके अपनाएंगे या नजरबंदी के वो ऑप्ट करेंगे।